यूपी के इटावा में दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। पेंट्री कार के पास बाली बोगी में S6 में कोच में यह घटना हुई है, जिसमें 19 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह 12 घंटे के भीतर इटावा में हुई दूसरी घटना है। इस घटना के पीछे वजह क्या थी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। रेलवे अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद प्रभावित हुए 11 यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं 8 यात्रियों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ट्रेन के S6 कोच में आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है। यह घटना उस समय हुई है जब इटावा रेलवे स्टेशन फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की मैनपुरी आउटर फाटक पर ट्रेन पहुंची थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, वैशाली गाड़ी थी और ये दिल्ली से सहरसा जा रही थी, और इसमें S6 में ये घटना हुई। तत्काल रेस्क्यू टीम पहुंची, कोई जनहानि नहीं है और किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, क्योंकि टाइमली ट्रेन रुक गई थी और टाइमली से रेस्क्यू कर लिया गया। इसमें अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी घायल नहीं है। लगभग 30-35 मिनट ट्रेन रुकी, क्या ट्रेन रवाना होगा।